हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू बताएंगे। मंडे के लिए क्या होने वाला है, गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। इस सोमवार को कौन माला माल होने वाला है और कौन कंगाल होने वाला है। अगर आपने सी होल्ड करके रखी या फिर पी होल्ड करके रखी है, कोई पोजिशन ट्रेड लेके आए हैं यहाँ पे आप सभी, तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट होने वाली है। हम आप सभी को बताएंगे कि सोमवार को कौन राजा बनेगा और कौन भिखारी बनेगा, यानी कि गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। बने रहिएगा वीडियो में कंप्लीट, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। सीधे हम आप सभी को लेके चलते हैं चार्ट पर। यहाँ पे आप सभी आ गए हैं चार्ट पे, जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखने के साथ साथ यहाँ पे हमने कुछ लाइंस भी ड्रा करी हैं, और ये लाइंस हैं हमारी एनालिसिस वीडियोस की लाइंस और लाइव सेशंस की लाइंस। अगर आप सभी हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन किए होंगे तो जानते होंगे कि मैंने लास्ट तक मैंने बताया कि मार्केट जो है यहाँ तक रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती, रिट्रेस करके मीन्स, एंड उसके बाद यहाँ से रिट्रेस करके जा सकती। तो ओवरऑल जो लोग भी लाइव सेशन में जुड़े रहे हैं, जो लोग हमारे साथ लाइव सेशन में कंटिन्यू जुड़े रहे हैं, 12 PM के आसपास में मैं आता हूँ लाइव ट्रेडिंग करता हूँ आप सभी के साथ, और आप सभी को कराता भी हूँ। तो यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और लाइव सेशन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूरेसी के साथ आप सभी को रेगुलर प्रॉफिट कराया जाता है, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, तो 20 पॉइंट के टारगेट के साथ गारंटेड लॉस भी रिकवरी कराई जा सकती है, वो भी लाइव मार्केट में। आप सभी को मैं लॉस रिकवर कराता हूँ। आप चाहे तो लाइव सेशन हमारे प्रीवियस जो हो रहे हैं या फिर आज भी हुए हैं, वो डले हुए देख सकते हैं हमारी एक्यूरेसी क्या है। साथ ही साथ हम यहाँ पे आप सभी को जो एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराते हैं उसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 90%+ एक्यूरेसी के साथ मेरे भाई मैं आप सभी को यहाँ पे एनालिसिस वीडियोस भी प्रोवाइड कराता हूँ और लाइव वीडियोस भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री चीज़ें हैं यहाँ पे, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे प्रीमियम सर्विसेज कोई भी नहीं है, ना मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है और ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसलिए अगर मेरे नाम से अगर आप सभी से कोई पैसे मांगता है, तो ये हिदायत मेरी तरफ से कि किसी को मेरे नाम से पैसे ना दें, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो क्योंकि मैं एक ही मेरा टेलीग्राम चैनल है और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डिस्क्रिप्शन से अगर उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन करते हैं तो वही मेरा टेलीग्राम चैनल है। अदरवाइज मेरे नाम से कई सारे फेक चैनल्स भी बने हैं, तो उन फेक चैनल्स में आप सभी लोग मत फंस जाना। मेरे टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है छोटा ट्रेडर ऑफिशियल, एंड जो नेम है वो छोटा ट्रेडर है, तो स्पेलिंग भी मैच कर लीजिएगा आप सभी लोग, किसी छोटे ट्रेडर के चक्कर में मत पड़ जाना, छोटा ट्रेडर के चक्कर में। तो मेरे नाम से आप सभी लोग किसी को एक फूटी कौड़ी भी मत देना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन है निफ्टी बैंक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट ओपन है निफ्टी बैंक का। और यहाँ पे आज निफ्टी बैंक ने जो क्लोजिंग कराई है 342,340 के आसपास में ओपनिंग कराई, जो कि मेरा जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एरिया था 42,320 का, इसके ऊपर ओपनिंग कराई। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग है, तो इसका सिंपल मतलब है कि ज़्यादा चांसेस बनते हैं गैप अप के, ज़्यादा चांसेस गैप अप के बनते हैं। आप ये देखिए मेरा व्यू है पर्टिकुलर। अगर एनालिसिस वीडियो आप चाहते हैं तो एनालिसिस वीडियो में कल आप सभी को बैंक निफ्टी की और निफ्टी की अलग अलग प्रोवाइड कराऊंगा कि कहाँ पे ओपनिंग करेगी, तो मेरे कौन से लेवल्स होने वाले हैं। अदरवाइज ये मेरा व्यू है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और मेरा व्यू कहाँ तक सही होता है ये आप सभी लोग देखिएगा। अच्छा, अगर मुझे संडे की शाम को, अगर मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले मुझे कोई न्यूज़ मिल जाती है या ग्लोबल मार्केट की कोई अपडेट मिल जाती है, तो उस पर भी मैं आप सभी को वीडियो दे देता हूँ, वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो हो सकता है आज मैं बता रहा हूँ गैप अप होगी, जो कि मेरा व्यू है गैप अप के चांसेस ज़्यादा हैं, और मार्केट क्रैश हो जाए अचानक ग्लोबल मार्केट, तो फिर गैप अप कैसे होगी, फिर गैप डाउन होगी। तो मैं अपना व्यू समय समय पर आप सभी को शेयर किया करता हूँ, अपडेट कराया करता हूँ। तो ये जो मेरा अभी का फिलहाल व्यू है, मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुई है, मेरा जो रेजिस्टेंस है ब्रेक कर गया है, ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जा रहा है, मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, और यहाँ पे जो ओपन क्लोजिंग देखने को मिली, वो क्लोजिंग मुझे देखने को मिली है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि एक मेरा बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, 42,315 का रेजिस्टेंस, पिछले 2 दिनों से लगा के आ रहे थे, तो इसके ऊपर क्लोजिंग कराई है। तो इसका सिंपल मतलब है कि 60% चांसेस हैं गैप अप के, 60% चांसेस क्या हैं गैप अप के बैंक निफ्टी में, ये आप नोट कर सकते हैं। और जो 30% चांस है वो हमारा है फ्लैट का, 30% चांस है फ्लैट का, फ्लैट भी ओपनिंग करा सकती है। लेकिन
गैप डाउन का मेरा व्यू नहीं कह रहा है, गैप डाउन कराएगी अगर 30-40 पॉइंट गैप डाउन भी कराती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मान के चलो 40 पॉइंट है तो 300 के आसपास में अगर ओपनिंग करा देती है तो 30-40 पॉइंट बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन करे तो कोई मतलब नहीं। उसका मैंने 10% रख दिया है कि 10% हो सकता है थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाए, उसे मैं फ्लैट में कैलकुलेट करूँगा 30% का, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें 60% का मेरा व्यू जो है 60-65% यहाँ पे मेरा व्यू है कि गैप अप ओपनिंग होगी। आप भी अपना व्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप जो है बैंक निफ्टी का तो हम बता ही रहे थे, निफ्टी 50 में चलते हैं। निफ्टी 50 हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है निफ्टी 50 में। और निफ्टी 50 में का चार्ट यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं ओपन कर रहा हूँ और ये चार्ट मेरा निफ्टी 50 का ओपन हो गया। देखिए अब ये देखिए ये चीज़ मैंने आप सभी को लाइव में बताया था, हमने कहा था कि ये ब्रेक करेगा तो आपको 50 पॉइंट ऊपर मिलेगा और मिला है, और इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो मैंने कहा था 50 पॉइंट ऊपर मिलेगा यानी कि 18,000 का टारगेट मिलेगा। निफ्टी 50 में कुल मिला के लाइव में भी टारगेट हिट होते हैं और यहाँ पे टेलीग्राम पर भी टारगेट हिट होते हैं, विजिट करके देख सकते हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे लाइव सेशन में जो आप सभी लोग जुड़िए एनालिसिस वीडियो के तो टारगेट हिट कराते ही कराते हैं। मैंने बताया था आप सभी को कि ये लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है, 1700 के ऊपर रहती है तो फिर मुझे ये टारगेट देखने मिल सकते हैं 18,000 के। तो ऑलमोस्ट 18,000 का लेवल मुझे देखने मिला और 18,000 से ही नीचे आई है। चलिए खैर यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट टूल लगा लेते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं कि यहाँ से अप गई है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये देखिए ये फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारा जो सपोर्ट एरिया है और वो एक बेहतर सपोर्ट एरिया है, यानी कि रिट्रेस भी करने आई है तो 23% के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो यहाँ पर भी गैप अप के चांसेस बनते हैं और गैप अप ये अपने हाई के आसपास करा सकती है, अपने हाई के आसपास गैप अप करा सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पे अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है तो इसमें भी 70% चांसेस जो हैं गैप अप के ही हैं और 30% जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम फ्लैट करा सकती है। अगर 10-20 पॉइंट नीचे होती है तो इसे फ्लैट ही समझेंगे, इस वाली कैंडल के अगर ऊपर रहती है क्लोज ओपनिंग कराती है तो फ्लैट में ही इसे इंक्लूड करेंगे। तो निफ्टी में भी हमारा व्यू है गैप अप का क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और सपोर्ट के ऊपर जो है क्लोजिंग करी है और जो मेरा रिट्रेसमेंट है वो 23% पे रिट्रेस कर रही है और उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मार्केट 70% चांसेस है निफ्टी 50 में गैप अप के और 30% चांसेस है फ्लैट के। अगर ये गैप अप कराती है तो एक बार देखिए 18,000 का रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर गैप अप कराती है इसके और डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है तो मार्केट जो है नीचे आने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो रेंज होंगे कि मार्केट गैप अप कराती है ये लेवल ब्रेक करेगा तो कौन से लेवल मिलेंगे, क्या टारगेट होंगे, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से, तो कंप्लीट एनालिसिस के बाद मैं आप सभी को एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल ये मेरा खुद का व्यू था आप सभी के साथ जो शेयर किया, जो कि मेरा दायित्व तो बनता है कि अगर मैं आप सभी के साथ हूँ तो आप सभी के साथ सारे चीज़ शेयर करूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेड कराता हूँ, आप सभी लोग लाइव जरूर जुड़ें और लाइव जुड़ने के लिए नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन नहीं होगी तो आप सभी लोग जो है नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी और आप लेट हो जाएंगे। मॉर्निंग में आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं एनालिसिस वीडियो देखिएगा जरूर, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, विद इन आवर्स हम आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं और मैं स्वयं आप सभी के कमेंट्स रीड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है और ना ही मेरा कोई प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, इस चीज़ को आप सबसे पहले समझ लीजिएगा। मेरे नाम से किसी को भी एक पैसा मत दीजिएगा, छोटा ट्रेडर या उसकी टीम की तरफ से कोई भी कॉल आप सभी के पास नहीं जाती है, तो कोई अगर कॉल आए तो वो फेक कॉल ही होगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।